हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर फर्स्ट टर्म क्लास टेंथ साइंस चैप्टर सिक्स लाइफ प्रोसेसेस क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ऑल अबाव यानी इनमें से सभी लाइफ प्रोसेस है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल अबाउ होगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉ मेटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस सनलाइट क्लोरोफिर एंड एच टू ओल ऑफ तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज इन फंजाई एलगी प्लांट्स ह्यूम्स यानी मृत जीवी पोषण के समोता फंजाई में सेप्रोफाइटिक सड़े गले डेडिकेट मटेरियल यूज करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड बिगेंस माउथ स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन द करेक्ट आंसर इज माउथ मुंह से ही शुरू हो जाता है स्टार्च का पाचन फॉलोइंग प्रोटीन पैप्सिन करेक्ट आंसर इज पैपिन हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट वन टू थ्री फोर डी आंसर है फोर चैंबर टू वेंटिकल टू एक्ट्रियम सेवन द वॉल ऑफ वेंटिकल इज थिक वाई ए इट हैजू रिसीव ब्लड पी इट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सी बोथ अबाव डी नन ऑफ दीज तो इट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इसलेस की वॉल थिक होती है बी है आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ दीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज वेन पलमोनरी आर्टरी वेना केवा पलमोनरी वेन तो करेक्ट आंसर इज पल्मोनरी वेन इसमें लंग्स से साफ होके हार्ट में ब्लड आता है तो इसलिए ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट टेक प्लेस बाय बायलम फ्लोइमस्टोमेटा नीज द करेक्ट आंसर जाइलम मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन द करेक्ट आंसर इज ए यूरिन फॉर्मेशन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनिस नफरॉन बोमेंस कैप्सूल करेक्टिंग डक्ट नन ऑफ दीज द आंसर इज ए नफरॉन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल इज थिक इनमें से किसकी दीवार मोटी है आर्टरी वेन्स बोथ नन ऑफ दीज तो करेक्ट आंसर इज आर्टरी विच ऑफ द फॉलोइंगज वॉल्व आर्टरी वोथ नन ऑफ दिज तो करेक्ट आंसर इज वेन भी वेन में वॉल्व होते हैं बैक फ्लो को रोकने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसप्रेशन ट्रांसप्रेशं प्लेस इन स्टोमेटा जायलम फ्लोएम रूट्स ट्रांसप्रेशन टेक्स प्लेस बाय स्टोमेटा द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड ड्यू टू हेमोग्लोबिन प्लेटलेट्स प्लाज्मा वाइट ब्लड सेल करेक्ट आंसर इज ए हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए लाइफ प्रोसेस चैप्टर के जो कि फर्स्ट टर्म में आने की इनकी पूरी संभावना है